हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। सर्व शिक्षा अभियान के तहत 10 कस्तूरबा विद्यालय से नई शिक्षक भर्ती का एडवर्टीजमेंट जारी कर दिया गया है। आयु यहां पर अधिकतम 45 ईयर रखी गई है। सैलरी पर मंथ 22,000 आप लोगों को मिलेगी। डिटेल में जो है जानकारी नोटिफिकेशन में चेक करेंगे, मेन वेबसाइट पर जो है जारी कर दिया गया है, वहीं पर आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्मेट भी मिलेगा। कैसे जो है उसे डाउनलोड करना है, क्या उसमें भरना है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। ऑल स्टेट जो है वो अलाउ रहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मेन वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है, शिक्षा का अधिकार, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े, ये जो है इनका उद्देश्य है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अयोध्या से जो है ये विज्ञप्ति जारी की गई है 13 दिसंबर 2023 को। तो सबसे पहले जो है सब्जेक्ट हम देखेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट की जो है यहाँ पर वैकेंसी आई है। तो सबसे पहले देखिए, पद का नाम जो है पूर्णकालिक शिक्षिका है। महिला ही कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं। यहाँ कोई परीक्षा कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, डायरेक्ट मेरिट के आधार पर सिलेक्शन रहेगा। विषय जो है गणित की वैकेंसी है, विज्ञान की वैकेंसी है पूर्णकालिक शिक्षिका में। तो शैक्षिक योग्यता मैथ्स के लिए चाहिए, पीसीएम वर्ग से स्नातक ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए आपका, और साथ में आपकी जो है 6th to 8th क्लास का टेट क्वालिफाई होना चाहिए। किसी भी राज्य का टेट जो है यहाँ पर आपका मान्य होगा। नेक्स्ट जो है विज्ञान के लिए भी जो है स्नातक मांगा गया है, और साथ में जो है यहाँ पेपर 2, जो टेट पेपर 2 जो है, जो कि 6th से लेकर 8th क्लास तक के लिए रहता है, तो वह उत्तीर्ण होना चाहिए। तो ये जो है पूर्णकालिक शिक्षिका की दो ही सब्जेक्ट की वैकेंसी है, साइंस एंड मैथ्स की। 22,000 जो है पर मंथ यहाँ सैलरी दी जाएगी, और एज 25 से लेकर 45 ईयर तक रखी गई है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर अंशकालिक शिक्षिका के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, तो कंप्यूटर की वैकेंसी है, स्काउट गाइड एवं फिजिकल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है आपकी ड्रॉइंग पेंटिंग और संगीत गृह शिल्प, इनकी वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, ये है अंशकालिक शिक्षिका। लेखाकार की वैकेंसी है, सहायक रसोईया की है, चपरासी की वैकेंसी है। ये सभी महिला कैंडिडेट ही जो है यहाँ पर ली जाएंगी। तो यहाँ पर जो है स्काउट गाइड एवं फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए VPED CPED TPED उपाधि जो है चाहिए, और यहाँ पर कला क्राफ्ट संगीत गृह शिल्प के लिए जो है यहाँ पर स्नातक की उपाधि, और साथ में जो है यहाँ प्रशिक्षण उपाधि भी जो है चाहिए। सैलरी यहाँ पर जो है अंशकालिक शिक्षिका की रहेगी 9,800, यानी 200 रुपए कम आपकी 10,000 यहाँ सैलरी होगी। लेखाकार के लिए जो है यहाँ कॉमर्स में ग्रेजुएशन होनी चाहिए, एमएस ऑफिस की नॉलेज होनी चाहिए, और साथ में आपके पास जो है डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर का। सहायक रसोईया चपरासी के लिए 8th पास जो है होना चाहिए। लेखाकार की जो सैलरी जो है वो अंशकालिक शिक्षिका से अधिक है, 11,000 यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। तो ये जो है सब्जेक्ट थे, क्वालिफिकेशन थी, एज और सैलरी, तो ये चीज मैंने आप लोगों को बता दी है। वैकेंसी कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अयोध्या से वैकेंसी है, और यहाँ पर 10 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों के जो रिक्त पद हैं, शिक्षिकाओं के जो रिक्त पद हैं, उसके लिए जो है यहाँ पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। संविदा पर आधारित है ये वैकेंसी 2023-24 के लिए। अगर कोई भी जो है कैंडिडेट आवेदन करना चाहता है, तो ये जो एड्रेस रहेगा, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सिविल लाइन अयोध्या उत्तर प्रदेश। सिलेक्शन जो है कैसे होगा, तो चयन जो है सीधे मेरिट के आधार पर होगा। आपके हाई स्कूल के जो है 100 में से 10% मार्क्स, इंटरमीडिएट के 10% मार्क्स, ग्रेजुएशन के 20% मार्क्स, आपके बीएड के 30% मार्क्स। अगर कोई पहले से ही जो है यहाँ पर पढ़ा रहा है, तो उसे अनुभव है, तो उसके आधार पर जो है यहाँ पर उसके मार्क्स मिलेंगे। जैसे प्रत्येक पूर्ण अध्यापन वर्ष के लिए 2 अंक, 1 साल पढ़ाया है तो 2 अंक, 2 साल पढ़ाया है तो 4 अंक। ठीक है, इस तरीके से जो अधिकतम 30 अंक हो सकते हैं। नीचे आप आएंगे तो यहीं पर आप लोगों को जो है आवेदन पत्र का प्रारूप मिल जाएगा। आप शैक्षणिक या शिक्षणेतर कर्मियों के चयन हेतु किसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो यही जो है एप्लीकेशन फॉर्मेट है। इसे आप डाउनलोड करेंगे और फिल करके भेज देना है दिए गए एड्रेस पर। अपनी जितने भी डॉक्यूमेंट है उनकी फोटो कॉपी, और साथ में जो है फोटो यहाँ पर जो भी पासपोर्ट आकार का रंगीन स्व प्रमाणित नवीनतम फोटोग्राफ है वो जरूर यहाँ पर लगाएं। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को मेन वेबसाइट पर लेकर चलती हूँ कि आप यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे। तो आप लोगों को आना है जिला अयोध्या उत्तर प्रदेश सरकार की जो मेन वेबसाइट है, जिसका लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी, ताकि आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट आ सकें। तो जैसे ही आप नीचे
स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर सबसे ऊपर ही दिया हुआ है व्हाट्स न्यू में, स्टाफ सिलेक्शन इन कस्तूरबा गांधी रेजिडेंशियल स्कूल फॉर डिस्ट्रिक्ट अयोध्या। तो ये आवासीय विद्यालय है, यहीं पर जो है आपको रहना भी होता है, ठीक है। तो चलिए इसको जो है ओपन करके मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इसके बाद का पेज इस तरीके का पेज होगा। एंडिंग डेट जो है यहाँ लिखी हुई है 31 जनवरी 2024, जबकि नोटिफिकेशन में जो है 27 दिसंबर लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 31 जनवरी 2024 तक जो है वो आवेदन मांगे जा रहे हैं, ये बाद में ऐड हुआ है। यहाँ पर आगे है व्यू, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको विज्ञापन और आवेदन पत्र का प्रारूप आपको दिखाई देगा, उसे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पर जो है रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है डाउनलोड का मार्क, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है और डाउनलोड करना है। तो जो भी कैंडिडेट जिन्होंने स्नातक किया हुआ है, यहाँ पर परसेंटेज का कोई भी चक्कर नहीं है, कितने भी परसेंटेज हो आपकी ग्रेजुएशन में, बीएड में, आपका जो है यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्तर का टेट क्वालिफाई होना चाहिए, किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं, लिंक मैं शेयर कर दूंगी, तो आप लोग वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो होता है उसको नीचे तक जाकर देखें, आपको लिंक वहीं पर मिलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।